पलामू के तरहसी से सटे लेस्लीगंज प्रखंड के जयपाठ वाहिनी परिसर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज इंडिया रिजर्व बटालियन 10 के पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु आरक्षियों के परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। पांडू और नवा जयपुर थाना भवन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। जयपाठ वाहिनी परिसर लेस्लीगंज में 3 नए बैरक, पेयजल और चार दीवारी निर्माण की मुख्यमंत्री ने घोषणा करी। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु आरक्षियों से कहा कि प्रशिक्षण अवधि में जो दक्षता हासिल की है उसे आम जन जीवन में और मजबूती दें। आप सभी को सरकार के अभिन्न अंग के रूप में जुड़ने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, ऐसी बात उन्होंने कही। देखिए इस पूरे कार्यक्रम का लाइव कवरेज संवाददाता सीताराम सोनी के साथ। परेड समारोह 2022 के इस भव्य कार्यक्रम में और इस नीलांबर पीतांबर की वीर भूमि पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित डीजीपी नीरज सिन्हा जी, प्रधान सचिव राजीव वरुण मिश्रा जी, डीजी ट्रेनिंग अनुराग गुप्ता जी, आईजी ट्रेनिंग प्रिया दुबे जी, डीआईजी पलामू राजकुमार लकड़ा जी, डीसी पलामू, एसपी पलामू, समादेष्टा चंदन कुमार सिन्हा जी और परिसक्षु के जवान, यहाँ उपस्थित आरक्षियों के अभिभावकगण, यहाँ उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे नौजवान खिलाड़ियों, आप सबको आज के इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। कल भी मैं सीटीसी मुसावादी में आया, आपके आईआरबी जवानों के पारण परेड समारोह में गया था। बहुत भव्य परिषद, भव्य कार्यक्रम और नौजवानों का पारण परेड का प्रदर्शन निश्चित रूप से बहुत ही शानदार और दिल जीतने वाला था। आज पलामू जिला के लेस्लीगंज में फिर से वही उत्साह, वही मंजर, वही जोश आज इस कैंपस में भी देखने को मिल रहा है। आपकी इस कैंपस के पहले जो रास्ता है, जो सड़क है, उस सड़कों पर ना जाने कितनी बार हमारा आना जाना रहा, लेकिन उस सड़क के इस कैंपस के अंदर की गतिविधियों के बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं थी और ना ही मुझे इस कैंपस में आने का मौका मिल पाया। और आज आपके इस पारण परेड समारोह के माध्यम से आपके इस कैंपस में भी आने का मौका मिला, आपके उत्साह और आपके जोश को भी देखने का हमें मौका मिल रहा है और इस
पलामू के सुदूर क्षेत्र में इस कैंपस में इतनी बड़ी गतिविधियां हो रही हैं, ये शायद ही बाहर लोगों को ही पता चलता होगा, लेकिन समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि पलामू जिला या पलामू प्रमंडल अत्यंत पिछड़े जिलों में से एक, यहां का जोश, यहां का उत्साह देखने से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज उस उत्साह और उस जोश को निखरने का मौका नहीं मिल रहा। मुख्य अतिथि झारखंड के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मंच पर उपस्थित गृह सचिव झारखंड सरकार श्री राजीव अरुण एक्का जी, महानिदेशक प्रशिक्षण श्री अनुराग गुप्ता जी, महानिरीक्षक प्रशिक्षण श्रीमती प्रिया दुबे जी, क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक श्री राजकुमार लकड़ा जी, पलामू जिला के उपायुक्त श्री के डोडे जी, पलामू के पुलिस अधीक्षक सह समादेष्टा इस वाहिनी के मुखिया चंदन कुमार सिन्हा जी, जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारियों, पत्रकार बंधुओं, अभिभावक गण तथा जैप 8 एवं IRB 10 वाहिनी के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी, और सबसे महत्वपूर्ण आज हमारे सामने परेड पर खड़े 554 प्रशिक्षुओं को जोहार। आज इस वाहिनी के लिए, प्रशिक्षण केंद्र के लिए और आज पारण परेड के साथ पुलिस बल में प्रभावी रूप से सम्मिलित हो रहे 554 प्रशिक्षुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे साथ इस वाहिनी के ग्राउंड में उपस्थित हैं और उनके आशीर्वाद, उनके आशीर्वचनों के साथ आज 372 पुलिस प्रशिक्षु और 182 महिला प्रशिक्षु झारखंड पुलिस में शामिल होंगे और कल से ये सभी झारखंड के पुलिस कार्यों में प्रतिनियुक्त होंगे और योगदान करेंगे। इस परेड में उपस्थित 182 महिला प्रशिक्षु इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार नारी सशक्तिकरण की दिशा में कितना कमिटेड है, कितना सिंसियर है। और आपको बताऊं, कल भी जो मुसाबत थी उसके कारण प्रशिक्षण में कई बार व्यवधान हुआ, कई बार प्रशिक्षण स्थगित रहा, और उस दौरान इन प्रशिक्षुओं ने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्राप्त किया कि इनकी प्रतिनियुक्ति पुलिस के विभिन्न कार्यों में रही और इन्होंने काफ़ी उसमें योगदान किया और उससे भी इन्हें प्रशिक्षण का लाभ मिला। प्रशिक्षण में थोड़ा विलंब होने के बावजूद बहुत अच्छे स्तर के प्रशिक्षण के साथ आज ये झारखंड पुलिस बल में शामिल हो रहे हैं और इनका परेड और ड्रिल का स्तर आपने देखा कितना उत्कृष्ट है। प्रशिक्षण के दौरान बाह्य विषयों में इन्हें शारीरिक प्रशिक्षण, वेपन ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट, ड्रिल, भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक कंट्रोल, फील्ड इंजीनियरिंग, बैटल क्राफ्ट, माइनर टैक्टिक, गुरिल्ला युद्ध पद्धति, मैप रीडिंग, GPS नेविगेशन आदि का प्रशिक्षण दिया गया।
अंतर विषयों में इन्हें भारतीय दंड विधान, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, लघु अधिनियम, पुलिस मैनुअल, आधुनिक भारत, पुलिस संगठन, पुलिस की भूमिका, पुलिस कर्तव्य, पुलिस आचरण, मानवाधिकार, मौलिक अधिकार, प्राथमिक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं पोषाहार, योगा, आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक एवं सामान्य दक्षता आदि का प्रशिक्षण दिया गया। इस वाहिनी में या IRB-10 अभी JAP-8 की वाहिनी में चल रहा है। JAP-8 का जो मूलभूत स्ट्रक्चर है वो भी अभी अपनी वाहिनी के लिए भी कम है। फिलहाल यहाँ 50-50 बेड के दो महिला बैरक उपलब्ध हैं, 100-100 बेड के दो पुरुष बैरक बने थे लेकिन अभी जर्जर हालत में आ गए हैं। इन 554 प्रशिक्षुओं ने तंबुओं में रहकर काफ़ी कठिन परिस्थितियों में 3 वर्षों तक एक्सटेंडेड ट्रेनिंग प्राप्त किया, जिसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। और इन विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने काफ़ी सिंसेरिटी और निष्ठा के साथ प्रशिक्षण कार्य अपना पूरा किया। इन प्रशिक्षुओं ने आज काफ़ी उच्च कोटि के परेड का प्रदर्शन किया है, इसके लिए मैं इन प्रशिक्षुओं को, इनके अनुदेशकों को, DSP ट्रेनिंग दीपक को बधाई देता हूँ।